बैठ के करेंगे ज्यादा अच्छा है। ऐसा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से एक अच्छा और बढ़िया रिजल्ट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। बिहार शरीफ में हूँ मैं, अरविंद सिंह सर को एक सप्ताह पहले अभय जी के माध्यम से रेनेटस नोवा दिया गया और ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे इनको किस किस चीज में आराम मिला। सर, हम 1992 से बीमार हैं। अच्छा, किस चीज के लिए? इकोलाइज प्रभावित। इकोलाइज क्या होता है सर? इकोलाइज हर एक के शरीर में है। अच्छा, पेशाब के थैली में हो कीटाणु पड़ जाता है। कीटाणु बढ़ जाएगा या तो मतलब लाइटिंग में भी वो कीटाणु बढ़ जाएगा या पेशाब में। सर इधर देख के बोलेंगे। दोनों स्थिति में आपको परेशानी है। अच्छा, फीवर शरीर में आना शुरू हो जाएगा जी, और उसका हल्का भी फीवर है जो आपके लिए जानलेवा है। मतलब इतना वीकनेस आएगा ना, लगता है कि 104 डिग्री बुखार तुरंत, मतलब उतना आपको क्षति पहुंचाता है। अच्छा, उतना शरीर में आपको कमी पैदा करेगा जी, वो फीवर जी। तो उसके पहले हमको बाद में मैं काला ज्वर पकड़ा था, काला ज्वर ठीक हुआ उसके बाद तुरंत इकोलाई पकड़ा। हाँ। इकोलाई से प्रभावित हुए तो डॉक्टर साहब दिखाए, उनके यहाँ काला ज्वर दिखाए थे, उन्हीं के यहाँ मतलब ये भी दिखाए। अच्छा, तुरंत पकड़ लिए, बोले कि इकोलाई है। अच्छा, उसके लिए दवाई दिए, कोटा भर चला के छोड़ दिए। अच्छा, बोले कि आप ठीक हो गए सर, फीवर हल्का है। तो बोले कि मलेरिया वगैरह होगा, दवाई दे देते हैं, चिपक जाएगा। कुछ दिन मलेरिया का दवाई चला, उसके बाद बोले कि अब ठीक है, अब कोई दिक्कत ना है, जो ऐसे हल्का फल्का बुखार रहता हम ठीक रहते हैं तो 96 रहता, जैसी तबीयत कुछ आती हुआ तो 96 से प्लस हुआ। हाँ। कि कमजोरी आना शुरू हो गया, मतलब एक बुक पॉइंट मतलब 96.5 भी हो गया, 97.5 में हालत खराब हुआ, परेशानी एकदम बढ़ जाए। हाँ, उतने में बढ़ जाए। तो उस तरह से मतलब 10 साल तक फिर हमको इलाज नहीं, 92 के बाद जो इलाज हुआ इकोलाइज का। हाँ। उसके बाद 10 साल तक इलाज हम बख्तियारपुर में रहते। अच्छा। तो वहाँ जितने भी डॉक्टर थे, ज्ञानेंद्र बाबू, ग्रीश बाबू, अरविंद बाबू जो भी थे, ये वो सरकारी डॉक्टर थे जय कुमार जी उस समय। अच्छा। तो उनसे भी मिले, प्राइवेट से देखते थे। तो फिर एक बार वो बुलाए कि आइए आप सामने, सामने गए तो बोले कि आपको दिमाग में बैठ गया कि फीवर रहता है। अच्छा, दिमाग से निकाल लीजिए, इफेक्ट हो गया। हाँ, जिस दिमाग से निकाल लीजिए, जो कहने का मतलब वो समझे कि वो मतलब मलेरिया की बीमारी है, शक हो गया है बिल्कुल कि मतलब हमें फीवर है। तो हम भी अंदर से हंसे कि भाई ठीक है, जो आपको समझ में आया बताए, लेकिन उसकी बात तो है नहीं, हमको परेशानी है। तब ये फीलिंग हो रहा है। तो आपके पास अभय जी के माध्यम से रेनेटस नोवा कब मिला? तो ये सोमवार को इनसे लिए हैं, पिछले सोमवार। अच्छा, सोमवार की तारीख पड़ रहा था 13। आज संडे है, मतलब आप 7 दिन टोटल हुआ। हाँ सर, है ना। हाँ सर, सोमवार को। इसको इसके पहले हम फिर दोबारा जो 10 साल के बाद इलाज हुआ बिहार शरीफ रविंद्र कुमार के यहाँ मंगला स्थान के पास, तो 2000 यही मिला है सर आपको? हाँ, ये सोमवार को मिला। अच्छा, तब बता रहे हैं कि कितना मतलब हम झेले हैं। अच्छा। और कितना स्ट्रगल करके शरीर को बचाए हुए हैं। हाँ। बचने के बाद कोई नहीं था कि मतलब आज 27 साल हो गया ना जी, बिल्कुल लेवर के 27 साल हो गया, सोच सकते हैं कमाल। और उससे हम जूझ रहे हैं, जो कि लगभग मतलब फीवर इतना दिन होने से लीवर तो मेरा खत्म हो, वैसे ही बर्बाद हो जाता है। लीवर जब खत्म हो गया तो हार्ट किडनी सब लंग्स सब बैठ जाएगा, बिल्कुल उसी पर सब निर्भर है। बिल्कुल। तो पूरा तो शरीर एकदम अंदर से खोखला हो गया। तो फिर हम इलाज करवाए 2003 में, यही रविंद्र कुमार जी थे 10वां महीना में छठ के बाद से। अच्छा। 2003 से आज तक रेगुलर दवाई दवाई तो अभी भी ले रहा है। तो 6 महीना हम अंग्रेजी करवाए उनके, 6 महीना नहीं ठीक हुआ तो फिर 3 साल हमने पैसे लिए बख्तियारपुर से, अमरूद बाबू है उनके यहाँ से 3 साल हम पैसे कराया। तो उस समय फीवर में 100 डिग्री रहता था, 100 डिग्री प्लस रहता है।
शरीर एकदम जलते रहता था, तो उससे भी नहीं ठीक हुआ, तो हम आयुर्वेद में 24 तारीख चौथा महीना 2007 के यहाँ पटना अलीशाबाद गए, उनके यहाँ से आज तक खा रहे दवाई, तो अब रिलीफ में है, शरीर ठंडा हो गया, लेकिन अंदर श्वसन प्रणाली में अभी भी फीवर है। तो इसको रिनेटस नोवा को एक सप्ताह से खाने के बाद आपको कैसा लगा? तो इसके पहले जो हम खा रहे थे आयुर्वेद भाई जी के यहाँ से खा रहे थे, अच्छा प्लस हेमोपैथी ले रहे थे, अच्छा अभी भी चल रहा है साथ में। उसके बाद हम एमए में जुड़े थे, एमए का भी प्रोडक्ट चल रहा था, अच्छा इसमें उसके बाद आरसीएम में जुड़े, आरसीएम का भी प्रोडक्ट अभी तक चल रहा है, अच्छा और उसके बाद डीएक्शन के प्रोडक्ट हम 4-5 साल से खाए, तब ए बॉडी इतना पोजिशन बना है, डीएक्शन को है उसको हम कहें कि यहाँ तक हमें पहुँचाया, मतलब आज शरीर जो सेफ है, रिएक्शन मतलब बहुत हमको शायद है। आज भी इसको छोड़े हुए थे, इसको लेने से पहले हम एक महीना से रिएक्शन छोड़े हुए, अच्छा तो शरीर एकदम बैठते हुए जा रहा था, छोड़ेंगे ना, शरीर बैठना शुरू अभी भी हो गया, फूड सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आज भी शरीर बैठना शुरू हो गया, लेकिन जो रिजल्ट एक सप्ताह में दिया है वो काबिले तारीफ, अच्छा एक जो बोलते थे आप सुनते थे, हम सुने मोबाइल तो विश्वास जो फीलिंग नहीं हुआ, एक बोल रहे थे कि अभी होगा इतना रिजल्ट तो, लेकिन फीलिंग नहीं हो रहा, हम कह रहे थे कि जब तक हम उपयोग नहीं करें बिल्कुल तब तक अंदर सवाल नहीं निकले, विश्वास नहीं होगा, अंदर सवाल ही नहीं निकलेगा कि किसी को हम बोले, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सोमवार से लिए ना तो बोले थे कि 4-5 दिन एक कैप्सूल लेना है सुबह, हाँ तो खोल बोले थे कि बोतल में सीसी मतलब कांच वाला है, कांच की बोतल में खोल के गर्म पानी में डाल के इसको पीना है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस ही पार हमसे नहीं लगेगा बिल्कुल। तो हम सुबह मतलब ऐसे भी प्रतिदिन रूटीन बना लिए, सुसुम पानी ही पीते हैं, जाड़ा के दिन में तो हम मतलब एकदम परमानेंट हम पीते हैं, तो वही हम सुबह एक सोमवार को लिए, तो सुबह तो कब्ज ऐसे भी रहता था, पूरा पेट साफ होता था नहीं, तो लिए तो मतलब शरीर हल्का हो गया शुरू दिन से। तो अभी सिंगल ही ले रहे हैं कि नहीं? अब डबल कर दिया है। कितने दिन से? कल परसों से, परसों सुबह से दो, एक सुबह एक शाम, हाँ दो दो ले रहे हैं, दो दो कर दिए, दो सुबह दो शाम, हाँ दो कर दिए। तो आपको लग रहा है कि मतलब रेनेटस नोवा वो चीज है? हाँ तो सुनिए ना, तब इसे क्या हुआ कि पूरे शरीर हल्का हो गया, और जो हम इधर मतलब शरीर जो डैमेज हो रहा था फिर शरीर में संतुलन आया, और लगा कि शरीर में शक्ति आया, अच्छा। शक्ति आया कि हम मतलब भोर में उठ जाते थे ना 4 बजे भी, तो पूरे मतलब शरीर में कमजोरी और आलस लगे कि कैसे हम उठ गए, 6 बजे के बाद ही रिलैक्स महसूस करते थे। तो कल हम लोग स्कूल से ले गए थे टूर के लिए, बच्चा को टूर, लेकिन डर रहे थे क्या होगा, टूर चलना है पहाड़ पर पैदल चलना है, सुन ही के हालत खराब हो जाता, लेकिन हम अपने गांव में ही वृंदावन है, वहीं हम रात में रुक गए, शुक्रवार के रात, अच्छा रात में रुक गए तो नींद हमको 2 बजे टूट गया, 2 बजे के बाद नींद नहीं आया, नींद नहीं आया, जब ऐसे पड़े रहे बेड पर, लेकिन फिर भी 4 बजे के बाद उठे, लेकिन शरीर पर यह असर नहीं हुआ कि हम इतना रास्ते जगे हुए, अच्छा हम डर रहे थे कि अब तो आप हो गया टूर अपना लेकिन असर नहीं हुआ। और कल हम दिन भर राजगीर टहले, पहाड़ पर भी चढ़े, शांति स्तूप पर, रत्नागिरी पर्वत पर, थकान और वैसा कुछ मतलब शुरू में हिम्मत हार रहे थे, कहा कि खाना शाम में खाए, रात में लास्ट में, मतलब दिन भर इसी हल्के फल के लंच वगैरह पर रह गए, और उस समय जिस समय हम 2-3 बजे के लगभग हम चढ़ रहे थे पहाड़ पर, तो कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन लोग के साथ चढ़ गए धीरे धीरे करके, फिर उतरे भी, उसके बाद सब मतलब खाना बनाने के लिए उधर गए, तो बोले कि अभी लेट है, तब कुंड पर जाकर स्नान कर, स्नान करिए तो और रिलैक्स हुआ, मतलब ऐसा कोई थकान फिर महसूस नहीं हुआ उठने के बावजूद। फिर 8 बजे के बाद घर में आए, तो फिर वही 2 कैप्सूल फिर ले लिए,
और पता नहीं चला, कमी आने नहीं दिया है। तो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सब लोगों को ये खाना चाहिए जिनको भी? लोगों के लिए तो अब मेरा शरीर तो जो मतलब पूरे पार्ट्स डैमेज है। अच्छा, मतलब लिवर हार्ट किडनी सब पूरे मतलब सोचिए कि फूड सप्लीमेंट नहीं ले तो शरीर बैठना शुरू हो जाता, क्योंकि सर बोल भी रहे थे लगता है सर कि आपका तबियत खराब हो रहा है। वहाँ हम बोले कि लोगों के लिए एक मैसेज आप छोड़िए अपने तरफ से। तो लोगों के लिए मैसेज तो यही है कि जब हम पर इतना मतलब 27 साल से बीमार है और उस स्थिति में मतलब इतना डैमेज होने के बावजूद रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर मतलब दिखाई देने लगा। ऐसे तो लिए शुरू दिन से ही दिखाई देने लगा, लेकिन 7 दिन में तो मतलब पूरा जो रिजल्ट चाहिए वो दिखाई दिया। मतलब लगा कि नहीं, हमारे ही शरीर में जान है कुछ, ये सबको खाना चाहिए हमको। और जब जैसे हम भी तो सभी जैसा मानव है उसी तरह से तो हमारा भी दो को पैर है। जब हमारे शरीर पर फायदा कर सकता है तो और सब पर भी फायदा करना ही करना है, ऐसी बात तो ना है। लेकिन ये सही बात है कि मतलब जब तक खाइएगा नहीं तो विश्वास नहीं, उसके लिए तो विश्वास एक बार करना होगा, चमत्कार हो गया तो एक बार विश्वास करके लेना करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक खाएंगे नहीं तब तक मालूम नहीं होगा कि ये है क्या। हाँ, है क्या। और हम इसके पहले तो लगभग महीना में डिएक्शन पर 3,000-3,500 रुपया खर्च कर रहे थे। अच्छा, 3,000-3,500 एक प्रोडक्ट पर, और बाकी तो है पैथी और भाई जी के दवा है, अलग है, RCM अलग है। 5,000-6,000 रुपया हम महीना में खर्चा है। अभी इस पे कितना लगा आपका? 1100 रुपया, और उस हिसाब से तो बहुत सस्ता है। मतलब सस्ता है, और हम लोग जिस देश में रह उस देश के लिए तो वरदान ही माने। जितने लोग बीमार है यहाँ, जितने लोग बीमार है, तो हम तो इतना दिन में लगता है 10 आदमी से ऊपर को कह दिए। हाँ, लोग लेने के लिए भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, सब लोगों को दीजिए, सबकी जरूरत है सर। कहे कि हम तो मतलब बहुत दिन से बीमार है तो लोग सब जानते हैं मेरे बारे में। बिल्कुल, और जिनको बोल देते हैं उनको फीलिंग हो जाता है कि नहीं सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये 27 साल से जिस परेशानी को झेल रहे थे सर, एक सप्ताह से खा रहे हैं और इसमें इतना बढ़िया इनको रिजल्ट मिला है। आप लोग भी लीजिए, आपके घर की सभी परेशानियों को ये दूर करेगा। रेनाटस नोवा, धन्यवाद।